दिल्ली में किसानों की चल रही ट्रैक्टर रैली परेड के समर्थन में खाजूवाला में भी किसानों के द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने 3 कृषि कानून का विरोध करते हुए बाजार के मुख्य मार्गों से रैली निकाली। गुरुद्वारे तिराहे से शुरू हुई 2 किलोमीटर लंबी किसानों की ट्रैक्टर रैली ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानून को वापस लेने के संदर्भ में किसान की एकता का परिचय दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसानों ने किसान एकता जिंदाबाद के नारे करते हुए किसानों ने ट्रैक्टर मार्च किया। परेड रैली निकाली गई है, वो दिल्ली की सरकार को हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो दिल्ली में हमारे जो किसान वीर बैठे हुए हैं 2 महीने से लगातार लगभग, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनका समर्थन रखेंगे। जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी, दिल्ली जाना पड़ा तो हम दिल्ली भी जाएंगे उसके लिए। और आज का जो ये किसान आंदोलन है, जो 3 काले जो हमारे पर थोपे गए हैं सरकार द्वारा, उनका हम डटकर विरोध करेंगे। और जब भी अभी कभी भी ऐसी जरूरत पड़ेगी, आज जो ट्रैक्टर रैली है, आज हमारे जो स्वतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के रूप में जो हम मना रहे हैं, इसके हम आज सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि आज हम इस तिरंगे के लिए भी मर मिटने को तैयार हैं। हमारे के लिए उतने आन बान और शान ये हमारे लिए भी उतने ही है जितने ये दूसरे लोग मान रहे हैं, और हम इसकी शान के लिए खड़े हैं। और आज ये सरकार को संदेश जाना चाहते हैं कि दिल्ली के जो हमारे सरकार जो किसान वीर बैठे हैं, उनका इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, उनका हम समर्थन देंगे, उनके साथ खड़ेंगे। जब हमारे को वहाँ भी जाना पड़ेगा तो हम वहाँ भी जाएंगे। एक तरफ पूरा देश देखो, हमारा जो संदेश है, जो हमारा जो सरकार को देने का जो मकसद है, मेन यही है कि आज इतना बड़ा देश पूरे वर्ल्ड के अंदर जो समाचार जाएगा कि एक देश आज इतना बड़ा त्यौहार है, आज हमारा पर्व है, गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, और उसके दिन किसान इतना दुखी है, लेकिन फिर भी हम इस तिरंगे के लिए उतनी ही खुशी से इनको मना रहे हैं। लेकिन जो हमारे दिल में गुस्सा है बहुत ज़्यादा इस सरकार के खिलाफ, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, 26 जनवरी आगे वाले 15 अगस्त का भी हमारे को बैठना पड़ेगा, तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और उनका विरोध करते रहेंगे। कानून वापसी तो हम उस वहाँ धरने देंगे, वहाँ दिल्ली में बैठना पड़ेगा, अगले आने वाले 2024 तक भी बैठेंगे, इस कार का विरोध करते रहेंगे। जब तक इस मोदी को इस सरकार को सूद नहीं आएगी तो हम वापस नहीं हटेंगे। खाजूवाला के किसान, हमारे कुछ किसान गए हुए हैं और आगे जाने के लिए हम तैयार रहेंगे।